ठीक है, अब डिस्कशन करते हैं आपके पास वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो देखो सिंपली वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों है क्रॉप्स के लिए, तो इसको क्या मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत है या नहीं है? क्यों होती है आपके पास बताओ, आप ही बताओ क्यों होती है वाटर की रिक्वायरमेंट प्लांट्स को, ग्रोथ ग्रोथ के के लिए। लिए बेटर ग्रोथ के लिए। बिल्कुल ग्रोथ करेंगे ना आपके पास, हर चीज ग्रोथ पे होगी। अगर पानी अवेलेबल नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो सिंपली आपके पास क्या हो रहा है, आपको दो चीजें ही क्रॉप की ग्रोथ पे मैटर करती है। एक तो वेदर कंडीशन कैसी है, वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ है वाटर, तो पानी के साथ छेड़छाड़ ही हमारे हाथ में है आपके पास। तो अगर रेनफॉल हो रही है अच्छा है, पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। मैंने आपको एक कंट्री का नाम बताया था जहाँ पे आपके पास इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, कोई याद करा सकता है कौन सी है? एक ऐसी कंट्री है जिसमें आपके पास इरिगेशन करते ही नहीं है, एनीवन? इंग्लैंड हाँ इंग्लैंड है आपके पास कंट्री जहाँ पे इरिगेशन की रिक्वायरमेंट। देखोगे टेस्ट मैच वगैरह चलते थे आपके पास, जैसे इस साल भी WTC फाइनल में बारिश हुई थी शायद से, ये नहीं हुई थी इस साल। जब भी मैक्सिमम मैच होते हैं बारिश ही चलती है यहाँ पे, हर टाइम बारिश ही है यहाँ पे। श्रीलंका में जाइए, फिर हाँ जी श्रीलंका में ना जाइए सर। श्रीलंका में एक दिन बारिश हो गई यार, ठीक है वो हो गया। तो इसलिए हमें मतलब प्लांट की ग्रोथ के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें देखो सिंपली बींग अ इंजीनियर, आप पानी तो प्रोवाइड आपको ही करना ना आपके पास, तो इसके लिए कुछ सर पीरियड्स डिफाइंड हैं। तो सबसे पहले आता है आपके पास क्रॉप पीरियड। तो ये ऐसा पीरियड है जो आपके पास कहाँ से कहाँ तक तो होता है, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग टाइम के फेज को क्या बोलते हैं हम, क्रॉप क्रॉप पीरियड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बेस पीरियड। तो बोलो बेस पीरियड कब होगा? फर्स्ट वाटरिंग, लास्ट हार्वेस्टिंग। बिल्कुल, फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक, फर्स्ट से लास्ट वाटरिंग तक। सो इस फेज को क्या बोलेंगे हम, बेस पीरियड। क्रॉप पीरियड क्या है आपके पास, सोइंग से हार्वेस्टिंग तक, हार्वेस्टिंग, और बेस पीरियड क्या है, फर्स्ट वाटरिंग से लॉस वाटरिंग। लास्ट वाटरिंग तक, वही आपके पास यहाँ पर लिखा। अब जो बेस पीरियड है इसका दूसरा नाम क्या है आपके पास, ग्रोथ पीरियड भी बोलते हैं आपके पास, सर क्योंकि पानी मिलेगा तभी तो ग्रोथ होगी। तो अब बताओ, मैंने आपको जब ये ऑलरेडी पढ़ा रखा था उस टाइम भी बता रखा था कि बीइंग अ सिविल इंजीनियर या बीइंग अ इरिगेशन इंजीनियर, आपके लिए बेस पीरियड इंपॉर्टेंट होगा या क्रॉप पीरियड? क्रॉप नहीं, बेस पीरियड होगा। सिविल इंजीनियर ने क्रॉप ग्रोथ थोड़ी ना करवानी है, पानी पहुंचाना है उसको सिर्फ। क्रॉप सर तो एग्रीकल्चर वाले करवाएंगे ना, तो एग्रीकल्चर वालों के लिए क्रॉप पीरियड इंपॉर्टेंट होता है, बट बीइंग अ सिविल इंजीनियर हमारे लिए बेस पीरियड होता है। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, आपके पास जो क्रॉप पीरियड होता है ना ये ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बेस पीरियड, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम दोनों को क्या मान लेते हैं, बराबर सा ही मान लेते हैं आपके पास, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे शो करा रखा है आपके पास क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, सब चीजें आ गई आपके पास। फिर डेल्टा। अब डेल्टा है जैसे आपके पास कि एक क्रॉप को कितना अमाउंट ऑफ पानी की रिक्वायरमेंट होती है टू अटेन ग्रोथ, टू अटेन मैच्योरिटी, सो दैट इज डेल्टा। जैसे आपके पास सिंपली डेली मानी कितना पानी पीता है, या आपके पास एक मंथ या जितनी आपके पास मानी की एक सीजन में, मतलब मान लो मानी एक साल में कितना पानी पिएगा, तो वो क्या होगी मानी की, डेल्टा होगा आपके पास। तो कितना अमाउंट ऑफ पानी आपके पास एक क्रॉप पिएगी आपके पास एक साल में, उसको क्या बोलेंगे हम, या एक ड्यूटी। सीजन में, डेल्टा। ड्यूटी नहीं बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। जैसे देखो अब आपके पास मान लो, जैसे मैंने आपको ये बता रखा था, ये चीज मुझे लगता है मैंने पहले आपको स्किप हो गई होगी, जैसे राइस है आपके पास, उसका डेल्टा आपके पास 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास राइस को कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है, बोलो। सो 120 सेंटीमीटर। हाँ, अब मैं बोलता हूं कि जब राइस ग्रो हो रहा था उस टाइम आपके पास रेनफॉल हो गई 40 सेंटीमीटर, कितनी हो गई उस फेज में। चालीस तो अब इंजीनियर हो आप, मतलब आपको किसान को कितना पानी प्रोवाइड करना है, 120 प्रोवाइड करना है या कुछ अलग करना है, सर 80। 80 करना है, बिल्कुल। ये चीज याद रख लेना, मतलब मान लो घुमा के ऐसा क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपको कि अगर बारिश हो रही ना तो फिर हमें पानी कम प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश ने भी उसके कुछ लॉसेस को तो ओवरकम कर दिया होगा ना आपके पास, इसीलिए। तो इसलिए आपके पास डेल्टा जो आता है वो कितना वाटर अप्लाई कर रखा है आपने और कितने फ्रिक्वेंसी के लिए कर रखा है, तो ये फॉर्मूला भी बन जाता है आपके पास। एक देखो न्यूमेरिकल है नहीं, वरना आपको मैं इरीगेशन ऐसे ही पढ़ाता कि आप बूढ़े भी हो जाते ना, आपके पोते को भी पढ़ा देते इरीगेशन आप, ठीक है।
तो ये कुछ क्रॉप्स हैं आपके पास, इनका डायरेक्टली इरिगेशन मतलब डेल्टा याद रख लेना इसका, ठीक है? ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शुगर कैन का कितना होता है, राइस का कितना होता है। अब देखो सिंपली मुझे ये चीज़ बताओ, अभी ड्यूटी पे डिस्कशन आने से पहले, मतलब जिसका डेल्टा ज़्यादा होगा, तो क्या जैसे मान लो आपके पास राइस है, तो राइस की पानी की रिक्वायरमेंट क्या है ज़्यादा, तो अगर मान लो आपके पास पानी है सिर्फ 600 सेंटीमीटर अवेलेबल, ठीक है, तो राइस को लग रहा है 120 और वीट को लग रहा है 40, तो आप ज़्यादा किस एरिया में आपके पास इरिगेशन कर पाओगे, किस में ज़्यादा इरिगेशन मतलब एरिया में पानी प्रोवाइड कर पाओगे, राइस वाले में या वीट वाले में? वीट में बिल्कुल। तो ये याद रखना कि जो डेल्टा होता है आपके पास, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, या सिंपली मान लो जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट है। अच्छा अभी ये लाइन रहने दो, अभी आगे तो अब आ जाता है आपके पास ड्यूटी। आगे क्या आ जाता है आपके पास ड्यूटी, देखो ऐसे मानो ड्यूटी, ड्यूटी होता है आपके पास एरिया बाई डिस्चार्ज, अच्छा मतलब एक क्यूमैक पानी है, एक क्यूमैक मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है? अब एक क्यूमैक पानी कितने एरिया को इरिगेट करेगा आपके पास, उसी को क्या बोलते हैं हम, ड्यूटी। ड्यूटी बोलते हैं। अब ड्यूटी का यूनिट क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया आ जाता है जनरली हेक्टर्स में, तो इसका यूनिट हो जाता है आपके पास हेक्टर पर क्यूमैक, ठीक है? अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो ड्यूटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा के। ऐसी क्रॉप जिसका डेल्टा ज्यादा तो उसमें ड्यूटी क्या होगा, कम कम, क्योंकि कम एरिया इरिगेट होगा। अब जिसका ड्यूटी ज्यादा उसके डेल्टा क्या हो जाएगा, कम। समझ आ गया ये वाला पॉइंट? तो ये यस देखो सर। कुछ आपके पास क्रॉप्स हैं, वही चीज लिख रखी है आपके पास बेस पर, में कितना पानी इंपोर्ट करोगे, तो ये आपके पास कुछ क्रॉप्स दे रखी है। देखो जैसे आपके पास क्या था, राइस, राइस का 120 था, तो यहाँ पे 775 हेक्टर है, इसका 40 था, तो 1800 हेक्टर आपके पास एरिया इरिगेट हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बनता है आपके पास डायरेक्टली, सो 864, इसमें देखो आपके पास एमएम वाला था, तो इस फॉर्मूले को मैं देखो कट करवा देता हूँ आपके पास, देते हैं इसको, इसको रहन दो, मतलब इसमें ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, ये कन्वर्जन नहीं है, आप बस एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रख लो उससे। अगर ड्यूटी और डेल्टा निकाला, इसमें रिलेशन होता है डेल्टा, और डेल्टा आता है आपके पास सेंटीमीटर में, फॉर्मूला होता है आपके पास 864 B/D, जिसमें बी होता है बेस पीरियड, बी क्या होता है बेस पीरियड, और बेस पीरियड हमेशा डेज में होगा आपके पास, और डी होता है आपके पास ड्यूटी, और ड्यूटी होती है हमेशा हमारे पास हेक्टर पर क्यूमैक में। अब सेंटीमीटर में निकाल रखिए आपने, अगर आपको एमएम वाला पूछा तो आप वो भी निकाल सकते हो, उसके बाद मीटर वाला पूछे तो आप वो भी निकाल सकते हो आपके पास। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई, फॉर्मूला आपके पास डायरेक्टली याद रख लेना, ये फॉर्मूला पूछने के चांसेस होते हैं, सेंटीमीटर में क्या है, मीटर में क्या है, और एमएम में क्या है। एमएम में क्या हो जाएगा, 46, 864 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपको, सिंपली इसको मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देना मीटर वाले को, तो आपके पास फॉर्मूला मिल जाएगा उसका। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आपको ड्यूटी को क्या बोलते हैं, देखो मैंने आपको बता रखा था सिंपली, जैसे मैंने जब ये डायग्राम भी डिस्कस करवा रखी थी, कि जैसे जैसे आपके पास रिवर से पानी जाता जाएगा आपके पास फील्ड में, दूसरा डायग्राम मतलब कलर यूज करता हूँ मैं यहाँ पे, वाइट, वाइट तो चलेगा नहीं, ब्लैक ही यूज करते हैं आपके पास। तो जैसे जैसे आपके पास दरिया से पानी आपके पास फील्ड में जाएगा, तो डिस्चार्ज क्या होता जाएगा, कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। बिल्कुल, क्यों कम होगा, ज्यादा नहीं कम होगा, ज्यादा कैसे बोल रहे हो आप बताओ। सर फील्ड में, फील्ड में हाँ कम होगा ना, बिल्कुल, मतलब रिवर से जैसे पानी आपके पास फील्ड की तरफ जा रहा है, उसका डिस्चार्ज क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे चेंज होता जा रहा है, क्यों सर, लॉस हो रहा थोड़ा, बिल्कुल पानी लॉस हो रहा है आपके पास। अब डिस्चार्ज कम जहां पे, वहां पे ड्यूटी ज्यादा, तो सबसे कम डिस्चार्ज कहाँ पे होगा आपके पास, फील्ड में होगा, फील्ड में, तो फील्ड में ड्यूटी क्या होगी, ज्यादा, उससे अब डिस्चार्ज यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा, ड्यूटी इससे कम होगी, वैसे वैसे चलेगा आपके पास। तो यहाँ पे कुछ पोजीशन है जहाँ पे आपको ड्यूटी को क्या नाम देते हैं, वो डायरेक्टली याद आना चाहिए आपको। डायरेक्टली पूछे ड्यूटी एट द हेड ऑफ मेन कैनाल, सिंपली टर्म एज ग्रॉस क्वांटिटी, ड्यूटी एट द हेड ऑफ मेन कैनाल बोल दो, या ब्रांच कैनाल बोल दो, ब्रांच कैनाल दैट इज लेटरल क्वांटिटी, ड्यूटी एट द हेड ऑफ मेन कैनाल ग्रॉस क्वांटिटी, ड्यूटी एट द हेड ऑफ ब्रांच कैनाल इज लेटरल क्वांटिटी, ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स इज टर्म्ड एज आउटलेट फैक्टर, क्या बोलते हैं उसको, आउटलेट, और ड्यूटी एट द हेड ऑफ फील्ड इज टर्म्ड एज नेट, तो नेट क्वांटिटी ज्यादा होगी या ग्रॉस क्वांटिटी,
नेट ज्यादा होगी आप सो नेट क्लियर है ये वाला पॉइंट यस सर ये ब्लैक वाला रहने देता हूँ मैं जहाँ पे डिस्चार्ज ज्यादा मतलब डिस्चार्ज जो है आपके पास डिस्चार्ज जो होगा आपके पास वो क्या करेगा रिवर से रिवर डिस्चार्ज कम हो रहा है आपके पास तो ड्यूटी बढ़ी जा रही है ठीक है आगे कंटिन्यू कर लूँ मैं तो वही लिख रखा है आपके पास जो ड्यूटी है आपके पास हेड ऑफ मेन कनाल ग्रास क्वांटिटी ड्यूटी एट द हेड ऑफ ब्रांच कनाल इज लेटरल क्वांटिटी ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स आउटलेट फैक्टर सो ड्यूटी एट द हेड ऑफ नेट सॉरी फील्ड इज टर्म्ड एज नेट क्वांटिटी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम वाटर कोर्स तक होता है हाँ जी वाटर कोर्स देखो सिंपली आपके पास नालियां बनाते हो ना आप जैसे पानी मान लो यहाँ से आ रहा है आपके पास जो डिपार्टमेंट ने दे दिया पानी आपके पास तो अपने फील्ड के लिए लाने के लिए आप छोटी छोटी नालियां से नहीं बनाओगे आप तो वो आ गया आपके पास हाँ जी गवर्नमेंट का काम कहाँ तक होता है गवर्नमेंट का मान लो आप डिस्ट्रीब्यूटरी तक है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी तक पहुंचाना पानी ठीक है देखो वाटर कोर्स की मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूं तो थोड़ा और सही रह जाएगा आपको भूलने का नहीं मतलब मान लो कि कच्ची नालियां जो हम बनाएंगे वाटर कोर्स सी ओ यू आर एस टी वाटर कोर्स इन फील्ड वाटर कोर्स इन फील्ड ये देखो इस तरह से वाटर कोर्स बनाते हैं ना नालियां जिससे पानी मिल जाएगा इसका मतलब जैसे आपके पास घर में जो पानी आता है ना इसका पता है कितने लेवल कितने मीटर आपके पास पानी का फ्लो होना चाहिए अब आई थिंक 13.6 होता है या 12.6 होता है मतलब अगर तीसरे छत अगर एक फ्लोर की घर की छत अगर आपने 3.5 मीटर रख रखा है तो 12 ही मान के चलो मतलब तीसरे छत पे भी अगर आपके पास पानी की टंकी है ना तो वहाँ पे भी बिना मोटर के पानी पहुँचे इतना फ्लो रखना चाहिए आपके पास इसको बोलते हैं जो लास्ट पॉइंट तक आपके पास किसी एक एरिया में आपके पास डिपार्टमेंट पानी पहुँचाता है उसको हम फ्यूरल पॉइंट बोलते हैं आपके पास ये एनवायरनमेंट में आती हैं चीज़ें ऐसी ठीक है कोई नहीं डिस्कस कर देंगे अगर बाई चांस आगे आप जेई की तैयारी कर रहे होगे तो कभी ठीक है अब देखो अगर जो ड्यूटी आप यूज कर रहे हो फ्लो इरिगेशन वाली क्योंकि फ्लो इरिगेशन में भी कौन सी डायरेक्ट वाली तो उसको हम डायरेक्टली बोलते हैं फ्लो ड्यूटी या ड्यूटी और अगर आप ड्यूटी मतलब ड्यूटी में पानी यूज़ हो रहा है तो पानी आपने जो वियर और बैराज से डाइवर्ट करवा रखा है तो वही वाला यूज करके आप ड्यूटी कैलकुलेट कर रहे हो या कंप्यूट कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे फ्लो ड्यूटी या ड्यूटी उसमें मिल जाएगा हेक्टर पर क्यूमेक अगर आप स्टोरेज वाला यूज कर रहे हो डैम्स वाला यूज कर रहे हो तो उस ड्यूटी को हम बोलते हैं स्टोरेज ड्यूटी या क्वांटिटी ड्यूटी इसका यूनिट हेक्टर पर क्यूमेक था बट इसका क्या हो जाएगा हेक्टर पर मिलियन मीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि जो रिजर्वायर को डिजाइन करते हैं ना हम वो मिलियन मीटर क्यूब के लिए हम डिजाइन कर लेते हैं ठीक है देन नेक्स्ट आ जाता है आपके पास किस किस फैक्टर पे आपके पास ड्यूटी और डेल्टा डिपेंड करेगा तो अब देखो सबसे पहले टाइप ऑफ क्रॉप तो खुद सोच के बताना ऐसी क्रॉप जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है उसका डेल्टा कम होगा या ज्यादा ज्यादा यहाँ पे लिखाता हूँ मैं ऐसे वहां पे देख रहे हो आप यहाँ पे ऐसी क्रॉप जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा सो वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा उसका डेल्टा ज्यादा अगर डेल्टा ज्यादा तो ड्यूटी कम कम अब ऐसा सीजन गर्मियों के सीजन उसमें पानी की रिक्वायरमेंट क्या होगी ज्यादा डेल्टा डेल्टा कम सर डेल्टा भी ज्यादा तो होगा डेल्टा पानी तो है तो ड्यूटी कम ऐसा क्रॉप या ऐसा सीजन जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम डेल्टा ड्यूटी ज्यादा बिल्कुल तो ये कहीं पे घुमा फिरा के पूछ ले आपके पास फैक्टर इफेक्टिंग तो बता सकते हो आप यस सर किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक अब ये कुछ सीजन आते हैं जैसे खरीफ सीजन है इसका जनरली टाइम पीरियड इसको हम समर सीजन भी बोलते हैं और जून से सितंबर तक आपके पास ये फेज है अब इसमें आप ये चीज़ याद रख सकते हो सिंपली कि यही आपके पास जो पिछले बार एग्जाम में क्वेश्चन था कि साउथ वेस्टर्न मानसून के साथ आपके पास कौन सा कोलाइड करेगा तो आप सीजन टाइम पीरियड याद रख लो तो आ जाएगा उसके बाद रबी सीजन आता है आपके पास सर्दियों वाला तो इसके क्रॉप्स याद रखना है वीट ग्राम ऑयल सीड मस्टर्ड इसमें राइस कॉटन जवार बाजरा ग्राउंडनट भी आपके पास खारिफ आ जाती है उसके बाद आता है जैद सीजन को आप फ्रूट्स और वेजिटेबल वाला सीजन भी बोलते हो अप्रैल और जून से चलता है आपके पास देन पेरिनियल इरिगेशन सॉरी पेरिनियल
सीजन सीजन तो ये कौन सा होता है ऐसा सीजन जिसका बेस पीरियड जो होता है वो 300 डेज से ज्यादा होता है, जैसे आपके पास क्या आ गया शुगर केन वगैरह आ गया। तो ये सीजन याद रख लेना, खारिफ गर्मियों का सीजन, राबी सर्दियों का सीजन, जैद सब्जियों वाला सीजन, और पेरिनियल क्या आ गया जो पूरे साल तक आपका सीजन चल जाएगा आपके पास। तो एग्रीकल्चरल सीजन भी कंप्लीट हो गया। तो बताओ एग्रीकल्चर सीजन में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब आगे देखते हैं हम क्रॉप रेशियो। अब देखो क्रॉप रेशियो होता क्या एक्चुअली में आपके पास, देखो इसमें सिंपली दो चीजें याद रखनी है। मैंने आपको ये बताया कि जो राबी सीजन है उसका एरिया क्या होगा, ज्यादा इरिगेट होगा क्योंकि उसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम है, खारिफ में कम। तो क्रॉप रेशियो होता है आपके पास राबी का रेशियो खारिफ के साथ, या सॉरी खारिफ का रेशियो राबी के साथ, क्योंकि जीरो से वैल्यू कम रख सकते हो आप इसको। तो खारिफ का रेशियो मतलब कितना एरिया ऑफ लैंड आपके पास इरिगेट हुई है खारिफ में, उसको आप डिवाइड कर लोगे एरिया ऑफ लैंड टू बी इरिगेटेड इन राबी, उसी को क्या बोलते हैं हम क्रॉप रेशियो। जनरली ये जो वैल्यू होती है आपके पास 0.5 ले लेते हैं, मतलब आधा मान के चलते हैं आपके पास कि खारिफ में कम होगा क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट क्या होगी आपके पास खारिफ सीजन में ज्यादा। तो क्रॉप रेशियो को हम एरिया रेशियो भी बोलते हैं, खारिफ राबी रेशियो भी बोलते हैं। सो रेशियो ऑफ खारिफ क्रॉप एरिया इरिगेटेड इन खारिफ सीजन टू द एरिया प्रपोज्ड या इरिगेटेड इन राबी सीजन, सो दिस इज टर्म्ड एज क्रॉप रेशियो। तो बताओ क्रॉप रेशियो क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, ये देखो मैंने ये बता रखा है इसलिए हमारे पास राबी का एरिया ज्यादा होता है, फिर ये बता रखा है आपके पास किसका ज्यादा है। अब आती है पालियो इरिगेशन। क्या होती है पालियो इरिगेशन? देखो फर्स्ट वाटरिंग। बिल्कुल फर्स्ट वाटरिंग बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। हाँ मतलब ये हम क्यों करेंगे आपके पास, फॉर प्रिपरेशन ऑफ लैंड। सो उसके बाद ये जनरली हम कब करते हैं आपके पास राबी क्रॉप के लिए, क्योंकि देखो खारिफ क्रॉप के टाइम तो मानसून होगी तो उतनी मतलब जो फील्ड होगा वो ड्राई वगैरह नहीं होगा। तो राबी क्रॉप को जब हम ग्रो करने होगा तो उससे पहले आपके पास कौन सी क्रॉप थी ग्रो? खारिफ। खारिफ में पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है तो पानी मतलब बहुत कम अवेलेबल हो जाएगा, सो हमें लैंड प्रिपेयर करनी है। सो इनिशियल वाटरिंग डन फॉर लैंड प्रिपरेशन या बिफोर सोइंग, दैट इज सिंपली टर्म्ड एज आवर पालियो इरिगेशन। तो ये समझ आ गया आपको पालियो इरिगेशन क्या है आपके पास, ये कोई प्रॉब्लम इसमें बताओ? अरे हाँ नाम बताओ, अगर नहीं समझ आया तो बताओ, मैं दोबारा वापस बता दूं, इसमें शर्माने वाली बात थोड़ी ना। तो क्या लिखोगे आप सिंपली इसमें? बिफोर द क्रॉप सोन, क्रॉप इज सोन। समझ आया पालियो इरिगेशन क्या है? देन आ जाता है आपके पास कोर वाटरिंग। सो कोर वाटरिंग इज नथिंग बट जब आपने आपके पास सीड्स को ग्रो कर दिया, मतलब आपने सोइंग कर दी उसकी, तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा वो सीड से प्लांट बन जाएगा आपके पास थोड़ा सा। तो जब इनिशियली प्लांट थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा तो उस टाइम जो आप फर्स्ट वाटरिंग करोगे, सो दैट वाटरिंग इज सिंपली टर्म्ड एज कोर वाटरिंग, वही बोलेंगे। तो कोर वाटरिंग क्या है? फर्स्ट वाटरिंग व्हेन अ प्लांट ग्रो फ्यू सेंटीमीटर हाई, सो दैट इज कोर वाटरिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास ये। देखो मैंने जो ए का एग्जाम हुआ था उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा था, तो ए में भी पूछ रखा है कोर वाटरिंग, तो खुद सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास कोर वाटरिंग वाला, ठीक है। और कोर वाटरिंग में आपको ये चीज भी याद रखनी है कि सिंपली ये चीज मान लो आपके पास कोर वाटरिंग में जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो दूसरे पीरियड से ज्यादा होती है। अब कितने टाइम पीरियड तक आप ये कोर वाटरिंग करोगे उसको हम सिंपली बोलेंगे कोर पीरियड। कितनी डेप्थ आप पानी आप प्रोवाइड करते हो उसको क्या बोलते हैं? कोर डेप्थ। अब ये राइस का कोर पीरियड और कोर डेप्थ दे रखा है, राइस का कितना है 19 सेंटीमीटर और वीट का है 13.5 सेंटीमीटर। देखो राइस में तो 120 है तो मतलब कोई इशू नहीं है, वीट में खाली 40 सेंटीमीटर पानी की रिक्वायरमेंट है और 13.5 किसमें दे रहे हो आप? सिर्फ कोर पीरियड में ही दे रहे हो आपके पास। तो कोर पीरियड कितना है इसका? 3 से 8 हफ्ते, इसका है 2 से 4 वीक, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, इसको देख लेना आप। और एक शुगर कैन का भी बता दूं मैं, तो बता देते हैं शुगर कैन। ये माइक किससे साउंड आ रहा है यार, ये बंद कर लो। शुगर कैन से आ रहा है आपके पास 16.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाली चीज भी हो गई आपके पास। अब मैंने ये बताया कि पीक डिस्चार्ज के लिए हम किसको लेंगे, कोर पीरियड और कोर डेप्थ को लेंगे क्योंकि इसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, बट पीक डिस्चार्ज आपने डिजाइन करना है नहीं,
प्रति कैश क्रॉप। अब कैश क्रॉप क्या होता है, ऐसी क्रॉप जिनको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, उनको हमें मार्केट में सेल करना होता है फॉर प्रोसेसिंग, फिर जाके वो आपके पास क्या हो सकती है, आपके पास यूजेबल फॉर्म में आ सकती है। तो उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, कैश क्रॉप। जितनी भी फूड क्रॉप्स हैं उनके अलावा जितनी क्रॉप्स आती हैं वो किस में आ जाती हैं आपके पास, कैश क्रॉप। अब आता है क्रॉप रोटेशन। अब देखो क्या होता है, जैसे आपके पास वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो उसकी यील्ड कम हो जाएगी, या एक मतलब सिंपली आप खुद ही देखो यार, अगर आप काफी लार्ज टाइम के लिए 4-5 महीने के लिए, जैसे आप कोई जॉब करता है तो 5 महीने अगर वो डेली एक ही टास्क कम यूज कर रहा है तो मतलब थोड़ा टायर्ड फील कर देगा, तो वो क्या लेता है, ब्रेक लेते हैं ना, ब्रेक। यस सर। तो वही होता है आपके पास, अगर आप एक ही फील्ड में 10 बार 12 बार एक ही क्रॉप को ग्रो करे जा रहे हो, सेम वही प्रोसेस चल रहा है, पानी दो काटो ग्रो करो, बस वही चीजें आपके पास हो रही है, तो उससे क्या हो जाएगा आपके पास सिंपली कि जो फर्टिलिटी होगी या न्यूट्रंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है वहां पे, या तो आप जो एरिया था उसको छोड़ दो, खाली छोड़ दो, मतलब कुछ भी आपने वहां पे रिक्वायरमेंट ना, आपने इरिगेशन करनी है वहां पे, मतलब एक सीजन के लिए उसमें कुछ भी क्रॉपिंग नहीं करनी है, तो उससे ऑटोमेटिकली उसके जो न्यूट्रंस होंगे वो वापिस से रीडेवलप हो जाएंगे। या ऐसी क्रॉप ग्रो कर लो जिसमें मतलब न्यूट्रंस की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फोटो लगा दो, ग्राम लगा लो, तो उससे। हाँ जी रशीद बताओ। कैश क्रॉप समझाना बेटे। देखो कैश क्रॉप ये चीज है आपके पास, जैसे शुगर कैन है, शुगर कैन नहीं मान लो, ये मान लो यार कॉटन, कॉटन आ गया, उसके बाद तंबाकू आ गया, ठीक है। कैश क्रॉप खाने मतलब फूड नहीं हो सकता सर? नहीं फूड नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में थोड़ी ना भेजोगे फूड को प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। ऐसे जो दाल दूध होती है वो, दाल को कहां मार्केट में प्रोसेस होने के बाद यूज करते हो आप, के खेत से उसके बाद उनके वो बीन से निकाल लिया तो बना लो दाल, ऐसे ही होता है। देखो जैसे आपके पास कॉटन है तो कॉटन को आप ये डायरेक्टली उसी टाइम कपड़े बना लोगे, खुद ही प्रोसेस करना आना पड़ेगा ना हमको, वो चीज है। तो क्रॉप रोटेशन में बता रहा था आपको, तो मतलब एक ही टास्क करते करते क्या हो जाती है, उसमें न्यूट्रंस की कंसंट्रेशन कम होती है, तो फिर हम उसको अनलेफ्ट कर देते हैं सम पीरियड के लिए, या फिर उसमें हम क्या करते हैं कोई ऐसी क्रॉप को ग्रो कर देते हैं जिसमें क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रंस की रिक्वायरमेंट कम। जैसे राइस के बाद आप ग्राम को यूज कर लोगे, काटन कॉटन के बाद आप जवार यूज कर लो, उसके बाद आप ग्राम को यूज कर लो, तो इससे भी आपके पास कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है आपके पास, ठीक है। तो वही बता रखा है, वीट के बाद ज्वार कर लो फिर ग्राम कर लो, क्योंकि फोल्डर भी यूज कर सकते हो, कि इसमें क्या होता है लेस या लो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आई होप आज के लिए बहुत ज्यादा इनफ है, कल हम देखेंगे इरिगेशन एफिशिएंसी।